हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही आसान और ब्रेकफास्ट की रेसिपी जिसे हम बनाएंगे चावल से। बहुत ही टेस्टी लगेगा अगर आप एक बार इसे बनाकर रख लेंगे, सालों साल मज़े से चाय के साथ एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी बनाना। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक भगोना लिया है और भगोने में मैं डाल दूँगी 1 लीटर के करीब पानी। सो भगोने में यहाँ 1 लीटर के करीब पानी डाल दिया है और ये हमने लिया है चावल का आटा, ये लिया हमने करीब 1 कप के करीब। बस आराम से चावल के आटे को पानी में डालने के बाद अच्छी तरीके से मिला लेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहे। और बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि अभी हमने भगोने को गैस पे नहीं रखा, ये सारा काम पहले हम गैस से नीचे कर लेंगे, उसके बाद हम इसको गैस पे रखेंगे। डाल रही हूँ भगोने में लाल मिर्च 1/2 छोटी चम्मच, साथ में यहाँ पे मैंने अजवाइन डाला है 1/2 छोटी चम्मच और यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है। याद रखना है यहाँ पे नमक की मात्रा थोड़ी सी कम ही डालेंगे और इन चीज़ों को भी एक बार अच्छी तरीके से मिला लेंगे। बस बहुत ही कम सामान में गाइस बन जाएगा हमारी बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता। बस चावल के आटे से और पानी से समझ लीजिए, क्योंकि इसके अलावा बहुत थोड़ी सी चीज़ें लगी हैं। ये लीजिए मिश्रण हमारा बन गया है, अब हम गैस पे रखेंगे और गैस को ऑन कर देंगे मीडियम फ्लेम पर और इसे कंटिन्यू चलाते जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर गैस को ऑन करने के बाद इसे चलाते जाना है और आप देखेंगे बहुत ही जल्दी ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चावल का आटा होता है ना, वो बहुत जल्दी गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। और ये देखिए चलाते ही ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो बस इसको चलाते जाएंगे और जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी ना आ जाए, तब तक हम इसे चलाएंगे। इसे चलाते हुए 3 से 4 मिनट लगेंगे मुश्किल से और ये हमारा आटा बनकर तैयार हो जाएगा जिस तरीके का हमें चाहिए। लीजिए अब गैस को हम ऑफ कर देते हैं। तो गैस को ऑफ करके इसको हम थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। और वापस हमने यहाँ पे एक कटोरी लिया है, इस पर मैं 2 जगह अलग अलग निकाल लूँगी। तो मैं यहाँ पे जो नाश्ता बना रही हूँ ना, इसको मैं कलरफुल बनाऊँगी, तो यहाँ पे मैंने रेड कलर इस्तेमाल किया है और दूसरी कटोरी में मैंने ग्रीन कलर इस्तेमाल किया है और ये प्लेन रखूँगी मैं वाइट कलर। तो बस रेड कलर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है आटे में और सेम इसी तरीके से हमको जो ग्रीन वाला कलर हमने डाला है उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। गाइज ये फूड कलर है, ये खाने में ही इस्तेमाल होता है, ये कोई नुकसान नहीं करता है। तो बस ये देखिए अब हमने लेना है इस तरीके का नोज़ल और ये पाइपिंग बैग, ये किसी भी स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा जहाँ पे केक वगैरह का सामान मिलता है, और जिसमें हम डाल देंगे अपना जो बैटर बना के रखा है हमने। तो पहले मैं यहाँ पे रेड वाले को डाल रही हूँ, कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं किस तरीके से है। और पहले हम रेड वाले को उठा करके इस तरीके से डाल देंगे पाइपिंग बैग में। यहाँ पे गाइस हमने लिया है प्लेन एक बटर पेपर और इस पे मैं इस तरीके से डिज़ाइन बना दूँगी। बस इसको नॉर्मली थोड़ा सा प्रेस करना है और डिज़ाइन बना लेना है इस तरीके से। और सेम इसी तरीके से मैं ग्रीन कलर को भी डिज़ाइन कर लूँगी। गाइस ये बहुत ही आसानी से बन जाता है, इसको बनाने में भी हार्डली 10 मिनट आपको लगेंगे और ये सालों साल चलेगा। इसके डिज़ाइन देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने प्लास्टिक पे भी बनाई है। गाइस मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जब भी ऐसा कुछ नाश्ता बनाएं आप उसे प्लास्टिक पे ही बनाएं, नहीं तो ये आपको बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। तो प्लास्टिक पे बनाएंगे ना, बहुत ही आसानी से निकल कर नाश्ता आपका आ जाएगा।
तो चलिए नाश्ता हमारा ये बनकर तैयार है। इसको हम एक पूरे दिन के लिए धूप में छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसको देखेंगे और आगे का प्रोसेस करेंगे। सुन लीजिए फ्रेंड्स, एक पूरा दिन हमने इसको धूप में सुखाया है और धूप में सूखने के बाद ये कुछ इस तरीके का हो गया है। ये देखिए अभी भी ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, और जब हम इन्हें तेल में फ्राई करेंगे ना, इनके साइज़ डबल हो जाएंगे। तो बस हमने यहाँ पे थोड़ा सा तेल गरम किया है, इसमें फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी रेसिपी? हम उम्मीद करते हैं हमारी रेसिपी आपको पसंद आती होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।